एक हंसी की बात सुनाता हूं आपको। कुछ टाइम से हमारे साथ ये हो रहा है, बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं, ये पूछते हैं कि सर आपसे, आपके पास हम ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो हम क्या पढ़कर आए पहले, ताकि हमें क्लास में अच्छे तरीके से समझ आ जाए। मैं बोलता हूँ कुछ मत पढ़ो, जैसे हो कॉलेज से, स्कूल से पास आउट हो, ट्वेल्थ किया है, ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद डायरेक्टली हमारे पास आ जाओ। कई बार हमने एक एग्जाम्पल भी दिया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक स्टोरी सुनी थी जाकिर हुसैन साहब की। जाकिर हुसैन साहब के जो ट्रेवल मास्टर है, तो उनके पास कोई बंदा गया, कहता मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, कुछ तबला सीखना चाहता हूँ। कहते पहले कभी सीखा भी है? कहते हाँ, मैंने 6-7 महीने कहीं पे एक ट्रेनिंग ली थी किसी बंदे से, मेरे को वो अच्छा नहीं लगा और मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। वो कहते पहले तो मना कर दिया, जब बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, उन्होंने बोला चलो ठीक है। जाकिर हुसैन साहब बोलते यार तुम्हें इसको सीखने के लिए 5 साल लगेंगे और तुम्हें 5 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। अब बंदा बिल्कुल उसके दिल में था कि इनसे ही, इससे ही सीखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इनकी डील डन हो जाती है। अब डील डन ही हुई होती है, आगे से एक लड़का आ जाता है, कुछ अभी 2 मिनट ही हुए होते इस बात को, एक और लड़का आ जाता है। वो कहता है जाकिर हुसैन साहब आपसे मैं तबला सीखना चाहता हूँ। कहते चलो ठीक है भाई, तुम्हें भी सिखा दूंगा। कहते कितना टाइम लगेगा? कहता 1 साल लगेगा। और ये लड़का कुछ 12-13 साल का होता है। और कितने पैसे लगेंगे? फॉर एग्जाम्पल कहते 1 लाख रुपीज लगेंगे। और ये बंदा गुस्से हो जाता है, तो यार मैं इससे बड़ा हूं, मैंने पहले सीखा हुआ है, और मेरे को 5 साल बोल रहे हो और 5 लाख रुपए बोल रहे हो, और इसको फॉर एग्जाम्पल 1 साल और 1 लाख ही बोल रहे हो। जाकिर हुसैन साहब से बोलता भाई ये गड़बड़ क्यों कर रहे हो? तो कहते मैं 4 लाख तुम्हें और 4 साल इसीलिए ले रहा हूं कि जो पहले गलत सीखा हुआ वो सही कर लिया जाए। पहले तो नेगेटिव है ना यार, जीरो हो। या तो आप पॉजिटिव तरीके से मूव करोगे, या आप नेगेटिव तरीके में जाओगे। अगर जो नेगेटिव है, नेगेटिव के बाद उसको जीरो पे भी तो लेके आना है, तभी तो पॉजिटिव है। और ये जीरो, ये किसी को समझाना कि भाई ये गलत था यार, ये यूपीएससी के लिए स्ट्रेटेजी नहीं होती, ये दूसरी स्ट्रेटेजी होती है, तो पहले तो जीरो लाना पड़ेगा, उसके बाद पॉजिटिव है। तो सेम इज द केस, जो स्टूडेंट पढ़ना चाह रहे हैं डायरेक्टली, बहुत जो हमारी बहुत डेमोक्रेसी अवेलेबल है, डायरेक्टली फॉर एग्जाम्पल सीधा आ जाओ, जीरो से आ जाओ, बिल्कुल रॉ, और आपको डेफिनेटली आईएएस की तरह कि आपकी बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी हो जाएगी। चलो जी आगे मूव करते हैं।